आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने आज राज्यसभा में कहा कि कल से ही ऐवान में कोरोना पर चर्चा हो रही है, लेकिन हुक्मरा जमात के लोग सिर्फ इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। हुक्मरा जमात के लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ने तालियां बजाने में हुकूमत से ताउन नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई रिसर्च बता दीजिए जिसमें कहा गया है कि तालियां बजाने से कोरोना ठीक होता है, तो मैं वज़ीर आज़म के साथ तालियां बजाने के लिए तैयार हूं। इस मौके पर उन्होंने आफात में मवाक़े का जिक्र करते हुए यूपी की योगी हुकूमत को भी अपनी तनखीद का निशाना बनाया और कहा कि यूपी में कोरोना किट के नाम पर एक घोटाला हुआ है। कल से इस कोरोना की महामारी के विषय में चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से तमाम आरोप प्रत्यारोप इस महामारी के दौरान भी किया गया मान्यवर, और यह बताने की कोशिश की गई कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। और एक सदस्य की शिकायत थी कि जब हम ताली थाली बजा रहे थे, जब हम दिया जला रहे थे, तो विपक्ष वालों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, दुनिया का एक रिसर्च बता दीजिए जिससे ताली और थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो, तो सारा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग घर नहीं जाएंगे मान्यवर, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, और शाम होगा तो इसी संसद के परिसर में दिया जलाएंगे, लेकिन एक कोरोना ठीक करके दिखाइए। आप ऐसे मूर्खतापूर्ण योजनाओं को लेकर आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पूरा देश मूर्ख बन जाए। दूसरी बात चिल्ला चिल्ली बंद करेंगे, दूसरी बात चिल्ला मत सुनो। दूसरी बात सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा आपदा में औसत तलाशिए। कल डेरेक ओब्रायन जी कह रहे थे मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं हुई। अरे मुख्यमंत्री की तारीफ कैसे करेगी ये सरकार? हमारे उत्तर प्रदेश में एक ढोंगी बाबा है, उसने ऑक्सीमीटर खरीद लिया, कृपया 800 का ऑक्सीमीटर। कृपया मूल विषय में बात करिए, किसी राज्य पर टिप्पणी करने के बजाय कृपया मूल विषय पर। 5000 में खरीदा सर, मास्क लगा लीजिए संजय जी, मास्क कृपया लगाइए। 800 का ऑक्सीमीटर 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ, 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, 800% कमीशन खा रहे हैं ये लोग, आपदा में अवसर तलाश रहे। हिमाचल प्रदेश में कृपया हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हुए घोटाले में। कृपया इस आरोप प्रत्यारोप के बदले विषय पर बात करें संजय जी।